Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point. Zid Se Jeet Tak. Hi everyone. बच्चे अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर एक ट्रेजिडी हुई थी. ट्रेजिडी को बचा लिया गया बाद में. कैसे? कि हमने जो माइनर्स फंसे हुए थे, जो माइन कोलैप्स हो गई थी, उन माइनर्स को हमने उस माइन से बाहर निकाला. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पीपल हु वर रेस्क्यूड, देयर फैमिलीज एज वेल एज जो दो रेस्क्यू टीम जिन्होंने दिन रात वहाँ पे काम किया. वहाँ पे बच्चे एक ऐसे टेक्निक का यूज हुआ जिसको कहा जाता है रैट होल माइनिंग. रैट होल माइनिंग, राइट? अब रैट होल माइनिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टेक्निक है जिसको एनजीटी ने बैन किया हुआ है ड्यू टू अनसस्टेनेबिलिटी. एनवायरमेंट कंसर्न की वजह से, सेफ्टी कंसर्न की वजह से एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर्टिकुलर टेक्निक को बैन किया हुआ है. अब क्योंकि वो माइनर्स बाहर आ चुके हैं और ये थोड़ी सी जो रैट होल माइनिंग टर्म है ये थोड़ा सा आम हो गया है कि वो रैट होल माइनिंग क्या चीज है, ये बैन है. तो आइए देखते हैं कि रैट होल माइनिंग है क्या चीज, राइट, और क्यों इसको बैन किया हुआ है और इंडिया में कहां कहां पे रैट होल माइनिंग जो है वो सबसे ज्यादा होती है, राइट? प्लस हम साथ में ये भी देखेंगे कि रैट होल माइनिंग के दो टाइप्स हैं, कि वो दोनों टाइप्स कौन से हैं, कोशिश करेंगे कि उनको भी थोड़ा सा समझें. आइए बच्चे. सो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उत्तराखंड में हुआ रैट होल माइनिंग के थ्रू, यूजिंग रैट होल माइनिंग अ मेथड बैंड फॉर इट्स हजार्डियस नेचर एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट. हजार्डियस नेचर फॉर हूम? फॉर द पीपल इन्वॉल्व, राइट? एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट brings to the light the complexities and challenges of mining practices in India. ठीक है, तो माइनिंग एज अ सेक्टर जो है इस पूरे इंसिडेंट के बाद में ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है. आपको भी मैं वैसे क्लास में तो ये सजेस्ट करता ही रहता हूँ, पर आपको ना माइंस इंडिया में कहाँ कहाँ है, ओपन कास्ट माइन कहाँ कहाँ पे है, राइट, अंडरग्राउंड माइंस कहाँ कहाँ पे है, राइट, और इंडियन माइंस एक्ट क्या बोलता है, आपको माइन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना आपको पूरी पक्का करके रखनी है, पूरी चीज पता करके रखनी है, उसके इधर उधर वहां से नहीं भटकना है. आइए बच्चे आगे चलते हैं. बैन लगा हुआ है एनजीटी के थ्रू. एनजीटी बैंड रैट होल माइनिंग ड्यू टू द सेफ्टी कंसर्न विद इंसिडेंट्स ऑफ फ्लडिंग, विद इंसिडेंट्स ऑफ द एनजीटी बैंड रैट होल माइनिंग ड्यू टू द सेफ्टी कंसर्न विद इंसिडेंट्स ऑफ फ्लडिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन रिजल्टिंग इन फिटेलिटीज, है ना. और 2014-15 के बैन के बावजूद बच्चे मेघालय के अंदर ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स रैट होल माइनिंग जो है वो काफी जोरों पे चलती है. ये आपको याद रखना है कि कहां पे सबसे ज्यादा रैट होल माइनिंग होती है, दैट इज इन मेघालय, राइट. और वहां पे किस लिए वो बोलते हैं कि ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट लाइवलीहुड्स. आइए बच्चे देखते हैं. रैट होल रेफर्स टू द नैरो पिट्स dug into the ground, typically just large enough for one person to descend and extract coal, या for that matter anything. जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो this hole is big enough for only one person. ये तो फिर बहुत बड़ा hole है. अगर आप जाएंगे rat hole mining की अगर आप images search करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि actually जो mine के holes हैं वो बहुत छोटे होते हैं. और क्योंकि माइन के होल छोटे होते हैं तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे आपको समझ में आएगा कि ये आपकी ना डायरेक्टली आपकी चाइल्ड लेबर से भी प्रॉब्लम रिलेट होती है. क्योंकि अगर माइन का होल छोटा है तो उसके अंदर आपको एक छोटी बॉडी वाले इंसान को डालना पड़ेगा. छोटी बॉडी वाला इंसान इज होम अ किड, राइट. तो ये चाइल्ड लेबर की तरफ कोई बात जाती है, एक हैजार्डियस काम है चिल्ड्रन के लिए. तो आपका जितना भी राइट टू एजुकेशन है ना, RTE, ये सारा आपका एक तरह से पानी में बह जाता है उस समय जब आप इस तरीके से करते हो. और क्यों हो रहा है? ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड लैक ऑफ ऑल्टरनेट लाइवलीहुड्स, है ना. और वहाँ पे मेघालय वाली साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो कोल है तो वो पैचेज में है. तो ओपन कास्ट माइन जो होती है बच्चे वो फिजिबल नहीं होती है ना. कि आप ओपन कास्ट माइन आप करोगे, सेफ माइन जो होती है वो आप कंस्ट्रक्ट करो, क्योंकि पैचेज में कोल है, थोड़ा सा आया थोड़ा सा आया. तो जैसे कंस्ट्रक्ट अ रैट होल माइन, है ना, छोटी सी शाफ्ट और उसके अंदर जाके दे एक्सट्रैक्ट द कोल. आइए बच्चे. Typically, this large enough for one person. A rat hole mine involves digging a very small tunnel, usually only 3 to 4 feet deep, in which workers, more often children, enter and extract coal. ठीक है जी, rat hole mining broadly two types की होती है बच्चे, side cutting and box cutting. वो हम देख लेते हैं अभी कि side cutting क्या होती है, box cutting क्या होती है. Is method used for extracting coal from narrow horizontal seams and is particularly prevalent. Yeah.
एडिटर भाई सॉरी, मैं ना वहीं से शुरू करता हूँ, यहाँ से कॉला के बीच में, अब मैं मेरा बंद करने का मन नहीं है। तो रैट होल माइनिंग इज अ मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम नैरो हॉरिजॉन्टल सीम्स एंड इज पर्टिकुलरली प्रेवलेंट इन द स्टेट ऑफ मेघालय। मैं ना मेघालय, मैंने आपको पहले भी बता दिया, द टर्म रैट होल रेफर्स टू द नैरो पिट्स डग इनटू द ग्राउंड। अगेन रैट होल का मतलब ही वही है बच्चे, दो टाइप्स के हैं, इसको देख लेते हैं हम। साइड कटिंग प्रोसीजर, साइड कटिंग में क्या होता है, टाइप ऑफ माइनिंग यूजुअली डन ऑन द हिल स्लोप्स बाय फॉलोइंग अ कोल सीम विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है जी, तो ये होगी आपकी साइड कटिंग, जो हम बाहर से जो कोल सीम्स को देख देख के साइड से हम स्लोप्स के थ्रू काटते हैं, उसको हमने बोल दिया साइड कटिंग। बॉक्स कटिंग है, डिगिंग अ सर्कुलर और स्क्वायरिश पिट खड्डा नीचे को, वेरिंग फ्रॉम 10 to 100 स्क्वायर मीटर इन द विड्थ एंड अप टू द डेप्थ ऑफ 400 मीटर, एक नैरो सी टनल नीचे को जाती हुई, राइट, तो उसको हम बोलते हैं बॉक्स कटिंग। तो ये दो टाइप की आपकी रैट होल माइनिंग है बच्चे। आगे देखते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट सही नहीं होता है, सेफ्टी गियर प्रॉपर नहीं होता है, राइट, अनरेगुलेटेड है, और अनरेगुलेटेड कुछ भी होगा तो वो कुछ ना कुछ डिग्रेड तो करेगा ही, है ना, दैट्स व्हाई इट इज स्टिल अनरेगुलेटेड। लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन और ये सारी प्रॉब्लम जो है वहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती है। अगर आप जाएंगे एक बार इसकी वीडियोज वगैरह देखेंगे, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है, राइट। फॉर नाउ दैट इज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.